हाय फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। बेसिकली मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि आज सीबीआईसी का एक सर्कुलर निकला है और उस सर्कुलर में उन्होंने एसओपी बताया है कि अगर अब हम अपनी रिटर्न जीएसटी रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं करते तो सामने वाला जो जीएसटी ऑफिसर है वो क्या एक्शन लेगा। बेसिकली अभी जो जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी उसमें ये डिस्कशन हुआ था कि जो भी नॉन फाइलर्स होंगे उनके अगेंस्ट बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। तो ये सर्कुलर जो आया है वो एक तरह से बताएगा कि अगर हम अपनी जीएसटी रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं करते तो हमारे अगेंस्ट डिपार्टमेंट क्या एक्शन ले सकता है। तो बेसिकली सबसे पहले मैं आपको ये सर्कुलर दिखाना चाहूंगी। मैंने अपनी वेबसाइट www.studycafe.in पे ये सर्कुलर डाला है, आप वहाँ पे भी ये सर्कुलर रीड कर सकते हैं। ये पूरा एसओपी है। ये पूरा एसओपी मैंने एक पीपीटी फॉर्म में बनाया है। चलिए इस सर्कुलर को डिस्कस करते हैं। बेसिकली इस सर्कुलर में ये लिखा है कि सबसे पहले तो जो भी रिटर्न फाइल करने से पहले जो भी हमारी ड्यू डेट होगी उससे 3 दिन पहले एक सिस्टम जनरेटेड सबको रिमाइंडर भेजा जाएगा कि आपकी ड्यू डेट आने वाली है, अपनी ड्यू डेट से पहले पहले अपनी रिटर्न फाइल कर दो। उसके बाद ड्यू डेट के बाद एक ऑटो जनरेटेड मेल जाएगा, जो भी नॉन फाइलर हैं सबको एक ऑटो जनरेटेड वार्निंग जाएगी। अब अगर 5 दिन के अंदर अंदर कोई रिप्लाई नहीं आता तो फिर GSTR 3A में नोटिस जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली कि आपको 15 दिन के अंदर अंदर अपनी जो भी रिटर्न है वो फाइल करनी है। अच्छा, अब क्या हुआ, 15 दिन के अंदर अंदर अगर आपने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की तो आपके ऊपर डिपार्टमेंट बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है, जो भी आपकी डिटेल्स हैं। अच्छा, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट क्या होता है? देखिए, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ये होता है कि जब भी हम एओ को अपनी इनकम नहीं डिस्क्लोज करते तो एओ अपनी जजमेंट के हिसाब से, मान लीजिए एओ को लगता है कि मेरी जो इनकम है वो 1 लाख की है तो अपनी जजमेंट के हिसाब से 1 लाख के ऊपर 18% जीएसटी लगा देगा, जीएसटी की डिमांड निकाल देगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट अलग से लगाएगा, चाहे मेरी इनकम 0 क्यों ना हो। लेकिन वो बेस्ट जजमेंट का मतलब यही हुआ कि मेरी अपनी जजमेंट जो मुझे सही लगता है उसके हिसाब से असेसमेंट कर देगा। अब हुआ क्या कि मैंने मेरे को बेस्ट जजमेंट के बाद जब मुझे पता चला तो मैंने चुपचाप रिटर्न फाइल कर दी। मान लीजिए एओ ने बेस्ट जजमेंट की कि मेरी इनकम 1 लाख की है और मेरे को उसके ऊपर 18% का जीएसटी पे करना है, तो मैंने चुपचाप अपनी रिटर्न फाइल कर दी नील की। मैंने बोला नहीं, ये गलत है, मेरी कोई 1 लाख की इनकम नहीं है और मेरे को इस मंथ कोई इनकम नहीं हुआ। तो उस केस में अगर मैं रिटर्न फाइल कर देती हूँ तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट को ड्रॉप कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं रिटर्न फाइल नहीं करती, मैं कुछ नहीं बोलती, मान लीजिए उसने बेस्ट जजमेंट असेसमेंट भी कर दी लेकिन मैंने तब भी कुछ नहीं बोला, तो मेरे अगेंस्ट रिकवरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दी जाएगी और एक डिमांड नोटिस निकाल दिया जाएगा कि इतना आपका टैक्स बनता था जो कि आपने पे नहीं किया। तो फ्रेंड्स प्लीज, मैं इस वीडियो के तहत सबसे पहले तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज इस चीज को थोड़ा सीरियसली लें, अपनी जो भी जीएसटी रिटर्न है वो टाइम पे फाइल करें, इनफैक्ट टाइम से पहले फाइल करें, और जो भी आपका डेटा है उसका अच्छे से पूरा कैलकुलेशंस वगैरह कर करके रखें ताकि आपको लास्ट मोमेंट पे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।